सीएम कमलनाथ ने शुक्रवार को गुड़गांव में हुई सभा में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज ने गुड़गांव को नगर पंचायत बनाने का वायदा किया था, लेकिन गुड़गांव नगर पंचायत नहीं बनी। अब वो आराम फरमा रहे हैं, आगे भी लंबे समय तक आराम फरमाते रहेंगे। कमलनाथ ने कहा कि हमने जो वचन दिया उसे निभाया है, यही वजह है कि किसानों का कर्ज माफ हुआ। विपक्षी दल आरोप लगाता है कि किसानों के कर्ज माफ होने का सबूत दो। मैं कहता हूं कि जिस किसान का कर्ज माफ हुआ उसका टेलीफोन नंबर भी है, फोन लगा के पूछ लो। 22 लाख किसान गवाह हैं कि कर्ज माफ हुआ है कि नहीं। हमें और किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अभी आचार संहिता है, उसके बाद 35 लाख और किसानों का कर्ज माफ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले फसल का कम उत्पादन सरकार के लिए चुनौती थी, अब बढ़ता उत्पादन ही किसान के लिए चुनौती है। सीएम ने कहा कि भोपाल में छिंदवाड़ा की सरकार है, इसीलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि आज के युवा की सोच काफ़ी अलग है। पहले के बुजुर्गों ने तो किसी तरह ज़िंदगी काट ली, लेकिन आज का युवा अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता है। वो सोशल मीडिया की दुनिया में रहता है, उसे झूठे वादे नहीं बल्कि ठोस काम चाहिए। आज की सरकारों को इस दिशा में काम करना पड़ेगा। सभा के दौरान बोरगांव TI राजेश चौहान के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। उनके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा इतना बढ़ गया कि TI राजेश चौहान को सभा स्थल से जाना पड़ा। तब प्रदर्शनकारी शांत हुए। वे TI की कार्यप्रणाली से नाराज थे। उनके खिलाफ कई दिनों से शिकायत करते हुए उन्हें हटाने की मांग कर रहे थे।